हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल. गाइस, लास्ट मैंने नायका से एक फाउंडेशन परचेज किया था. आज मैं उसी का आपके साथ रिव्यू और डेमो शेयर करने जा रही हूँ. और इस फाउंडेशन को मैंने ऑफलाइन परचेज किया है, मीन्स नायका के आउटलेट से ऑफलाइन परचेज किया है, ऑनलाइन नहीं परचेज किया था. बट अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो डील्स होती हैं, मीन्स जो भी ऑफर होते हैं, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन सिमिलर होते हैं. तो अगर इस फाउंडेशन की बात की जाए दोस्तों, तो ये है नायका स्किन जीनियस स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन. और इसको मैंने दो बार यूज़ किया है, इसीलिए आज आपके साथ इसका मैं रिव्यू और डेमो शेयर कर रही हूँ. और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 575 का है, बट ये मुझे 489 की रेंज में मिल गया था. और इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 30 ml की, और इसकी शेल्फ लाइफ जो है दोस्तों वो है 2 ईयर्स की. ओके, और इसमें जो शेड आते हैं दोस्तों, 5 शेड्स आते हैं, बट ये जो मेरा शेड है वो है 01 प्योर आइवरी. ये देखिए, यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे. बट इसके अलावा भी इसके 5 शेड हैं, और जो वो 5 शेड हैं वो हैं 02 आमंड बेज, और 03 वॉर्म सैंड, 04 ट्रू टैन, और 05 गोल्डन हनी. और ये जो शेड है, ये किस तरह की स्किन के लिए, मतलब किस तरह की जो स्किन टोन है उस पर कौन सा शेड सुटेबल होगा, ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नीचे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी. तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस प्रोडक्ट की. तो ये देखिए, इसी तरह की पैकेजिंग में ये आता है, और अंदर देखिए ये इस तरह से बॉटल में है, देखिए, ठीक है. तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे इन्होंने जो भी चीज़ें मेंशन की हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. वेटलेस टेक्सचर मीट्स लग्जीरियस लॉन्ग वेयर फॉर्मुला विद नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन. इट सीमलेसली मेल्ट्स इन योर स्किन एंड हाइड्रेट योर स्किन विद इट्स पॉलीलिफ्ट टेक्नोलॉजी एंड हेलोरोनिक एसिड. क्योंकि इसमें हेलोरोनिक एसिड है, ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि जिनकी भी ऑयली स्किन होती है, बेसिकली जिनकी एक्ने पोर स्किन होती है, मतलब पिंपल्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, जनरली जिनकी ऑयली स्किन होती है उसमें ये प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए इस तरह के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं जिनमें हेलोरोनिक एसिड होता है. और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको एजिंग की प्रॉब्लम है, मीन्स झुर्रियाँ वगैरह है, तो उनके लिए भी ये इस तरह के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि जो हेलोरोनिक एसिड होता है गाइस, वो आपकी स्किन में जो भी एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है, पहली बात उसको बढ़ने नहीं देता है, और अगर आप उस प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो उस प्रॉब्लम को ये धीरे 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 करके कम भी कर देता है. इस टाइम पे हेलोरोनिक एसिड का बहुत चल रहा है मार्केट में भी, बहुत तरह के सीरम और फाउंडेशन वगैरह में, सब में ही आ रहा है. बट आप देख के यूज़ करिए कि हाँ, उसमें वाकई में हेलोरोनिक एसिड हो और क्या परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें भी. इसके अलावा गाइस, अगर आप लोग हाइलुरोनिक एसिड रिच प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, प्लस जो आपके एक्ने वगैरह वो रखें उसको बढ़ने से भी रोकता है, तो ये चीज़ इसमें अच्छी है. इसके अलावा गाइस, इसमें इन्होंने दिया है नेचुरल एंड रेडियंट फिनिश, लाइट वेट फॉर्मूला, और होमोजीनियस एप्लीकेशन. ओके, ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, SLS फ्री प्रोडक्ट है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है. दोस्तों देखते हैं कि इसकी कवरेज वगैरह कैसी है, बट उससे पहले आपको इसका टेक्सचर दिखा देते हैं. ये काफ़ी ज़्यादा निकल गया है, कोई नहीं. ये देखिए गाइस, जो इसका टेक्सचर है ये थोड़ा सा क्रीमी सा है, और अभी देखिएगा आप तो. इसका जो फॉर्मूला है वाकई में बहुत लाइट वेटेड है, क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत लाइट वेटेड है, और बहुत ईजिली ये आपकी स्किन में मेल्ट भी हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये देखिए दोस्तों, कितनी ईजिली ये मेल्ट हो गया, और दोनों मेरे हैंड में आप लोग फर्क खुद ही देख सकते हैं. और अगर इसके कवरेज की बात की जाए गाइस, तो काफ़ी अच्छी कवरेज है इसकी, ये मतलब मीडियम टू फुल कवरेज ही आपको देता है. और अगर आपकी स्किन पे देखा जाए तो ये आपको 5-6 आवर तक आपकी स्किन पर स्टे करेगा. मैं एक ही साइड अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी ताकि आप लोग फर्क देख सकें. इसका जो मतलब फॉर्मूला है ना, मतलब जो अप्लाई करने के बाद जैसा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा बीबी क्रीम जैसा, मतलब है तो ये फाउंडेशन इतना लाइट है कि आप ऐसा बीबी क्रीम भी इसको यूज कर सकते हैं. अभी देखिए, एक ही साइड में ये अप्लाई कर रही हूं. अब
इस ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। जो भी थोड़ी बहुत इम्परफेक्शन वगैरह है आपकी स्किन पे, ये उसको भी काफ़ी हद तक कवर करता है। और ये जो फाउंडेशन है गाइस, ना ही फुली मैट है और ना ही फुली ड्यूई है, मतलब एक मीडियम सा है। बट अभी देखिए ये थोड़ा सा ड्यूई ड्यूई लग रहा है, बट अभी जब मैं कॉम्पैक्ट इस पर अप्लाई कर लूँगी तो ये मैट लगने लगेगा। तो इसको ना मैट बोल सकते हैं, ना ही फुली ड्यूई बोल सकते हैं। तो ये देखिए इस साइड देखिए कितना फिनिश लग रहा है फेस, और इस तरफ देखिए। चलिए इस साइड पे इसको अप्लाई कर लेते हैं। बहुत थोड़ा ही लगता है ये, अभी देखिए थोड़ा सा वाइट वाइट सा लग रहा है, बट अभी थोड़ी देर में ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और एब्जॉर्ब होने के बाद गाइस ये थोड़ा सा इनहेंस करता है आपकी स्किन टोन को। अब मैं नेक पे भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ। और अब मैं नायका का ही कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए। और इस कॉम्पैक्ट का भी रिव्यू मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी दोस्तों। एक्चुअली मैंने इन दोनों प्रोडक्ट को साथ में ही लिया था। अब देखिए दोस्तों ये मैट हो गया इस साइड, और इस साइड अभी भी देखिए थोड़ा सा ड्यू ड्यू सा लग रहा है। तो आप जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। अगर आपको मैट लुक पसंद है तो आप कॉम्पैक्ट लगा के इसको मैट कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा ड्यू ही पसंद है तो आप कॉम्पैक्ट में यूज़ करिए या बहुत हल्का सा यूज़ करिए तो आपको ड्यू इफेक्ट भी मिल जाएगा। तो आप इस साइड भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस कितना अच्छा सा मैट फिनिश दिया है इस फाउंडेशन ने। ना ही बिल्कुल भी केकीनेस आपको लगेगी, ना ही लेयरिंग लगेगी, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वाकई में बहुत लाइट वेटेड है। आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, बिल्कुल भी हैवी अभी सब कुछ नहीं लगेगा आपको, आप लोग देख सकते हैं। और ना ही ये ऑक्सीडाइज होता है। तो अगर आप लोग भी चाहें तो एक बार इस फाउंडेशन को ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि मुझे वो वाले फाउंडेशन नहीं अच्छे लगते हैं जिसको अप्लाई करने पर बहुत हैवी अभी सा लगता है, बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं लगता है, ऐसा लगता है कुछ चिपका दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसको अप्लाई करने के बाद, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग भी चाहे तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। ओके गाइस, बाय।